रोओ मत, ठीक है ना। जिंदगी अपने को बार बार मौके देती है क्लियर करने के लिए। जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा टारगेट को अचीव करने के लिए, जब आप अपने टारगेट को आंखों में नहीं देखने लगोगे, तब तक आप यही एक्सक्यूजेस मारते रहोगे। आपको पता है अर्जुन ने पानी के अंदर से मछली की आंख के अंदर जब तीर लगाया था, तो और जो भी धनुर्धर थे उन्होंने पूछा था उससे कि यार आपको क्या दिखा, तो उसने यही जवाब दिया था, मुझे मछली की आंख दिखाई दी। समझ गए? तो आपको वो मछली की आंख, आपके टारगेट की आंख नजर आनी चाहिए, और वो टारगेट की आंख जब तक आप नहीं पढ़ोगे, उस टारगेट की आंख जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तब तक चैन से बैठना नहीं है, तब तक चैन से बैठना नहीं है। आज प्रॉमिस लेके जाओ इस क्लास से, आप पढ़ाओ सर, 2 महीने के अंदर अगर क्रैक नहीं कर दिया ना, हमारे अंदर वो ताकत है सर, वो ताकत है सर, 2 महीने के अंदर हम क्रैक करके दिखा देंगे। औकात बहुत बड़ी है भाई, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है, दुनिया को वो औकात दिखाना तुम्हारे को आना चाहिए, तुम्हारे को पता है कैसे सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दो, दुनिया आपके कदमों में होगी।